और असर की नमाज अदा करते हैं। अभी यहाँ पर उन्होंने बस रुकी है, आई थिंक 125 किलोमीटर हम तय कर चुके हैं, और हमने शावरमा सैंडविच और चाय यहाँ पर आने के बाद, और बस स्टार्ट हो गई है, वापस निकल रही है। हाँ भाई, होटल के करीब पहुंच गए हैं, आगे से बस यू टर्न लेके, और ये भाई ड्राइवर भाई जो ये पार्क कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग ऑफ ट्रैवल एडिक्ट, और आज है फ्राइडे का दिन, और आज हमारा मक्के में लास्ट डे है, और बस अभी हमने नमाज जुम्मा अदा करी है, और हमारी रवानगी है आज मदीने के लिए। हम बसों में बैठ चुके हैं, तमाम मुसाफिर बैठ चुके हैं, बस ड्राइवर भाई का वेट हो रहा है, जैसे वो आते हैं इंशाल्लाह हमारा सफर स्टार्ट हो जाएगा। अगले 8 से 9 दिन इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे मदीने के ब्लॉग आने वाले हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चले आप लेके चलते हैं मदीने के सफ़र पे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चले, और अभी अभी जुम्मे की नमाज़ ख़त्म हुई है, और हम बस के अंदर बैठे, हमने बस के अंदर ही पढ़ लिया, और जुम्मा अभी ख़त्म हुआ है यहाँ पर, तो अभी 2-3 पैसेंजर्स का वेट हो रहा है, इसके बाद यहाँ से बस इंशाल्लाह मदीने की तरफ रवाना हो जाएगी। मदीने चला मैं, 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 मदीने चला फिर करम हो गया, मैं मदीने चला फिर करम हो गया। और अभी यहाँ पर उन्होंने बस रुकी है, आई थिंक 125 किलोमीटर हम तय कर चुके हैं, तो यहाँ पर उन्होंने तकरीबन 30-40 मिनट्स के लिए बस को रोका है कि आप खाना खा लें और नमाज असर अदा कर लें, तो चलें आपको बाहर लेके चलते हैं। ये हमारी बस है, उस पर हम ट्रैवल कर कर आए, इसके साथ एक बस ये भी है और एक बस ये भी, 2-3 बसें आगे पीछे एक साथ साथ लेके आ रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर रोका है, पर ये एक मदाम अल बुखारी का रेस्टोरेंट है जहाँ से आप कुछ खा सकते हैं, उसका नाम है मदाम अल बुखारी। अलावा यहाँ दो स्मॉल स्मॉल टी शॉप्स, कप शॉप्स बनी हुई है, यहाँ पर चाय कॉफी पैक कर सकते हैं। Thank you.
जैसे वो नमाज के बैठ रहे हैं और वॉशरूम चले गए हैं, कुछ लोग चाय दे रहे हैं। ये जो जगह है छात्रा जो हॉल्ट किया है मदीने और असर की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद फिर बाहर चल के देखते हैं कुछ खाने के लिए। मदीने चला और हमने शावरमा सैंडविच और चाय खाने के बाद वापस सवार हो जाएंगे। ज़्यादा हमने कुछ नहीं खाया क्योंकि अभी आज भूख भी नहीं लग रही थी और सफ़र में ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए। तो ये हमने एक मिनी लंच कर लिया, उसके बाद हम अपनी बस में जाके बैठ गए। बस में आ गए हैं वापस, सफर दोबारा स्टार्ट करने वाले और बस स्टार्ट हो गई है, वापस निकल रही है। द ब्रेक इज ओवर। और अभी भी तकरीबन यहाँ से मदीना 209 किलोमीटर बाकी है, जो कि तकरीबन इनको 2 घंटे और लगेंगे। मदीने चला मैं, 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 मदीने चला फिर करम हो गया। मैं ये हम चेक पॉइंट पर पहुंच गए, मदीने से कुतुबमीनार का चेक पॉइंट 40 किलोमीटर रह गया है मदीना और चेक पॉइंट है। एक और चेक पॉइंट पर लाए हैं और यहाँ पर रोका है। आई थिंक यहाँ पर कोई एंट्री वगैरह करेंगे हजियों की। सारी बसेस यहाँ पर आई हुई हैं और कहीं कोई एंट्री होगी कि हजियों की, कितने हाजी मदीने सिटी आ रहे हैं। चले देखते हैं। We are into Medina city, Alhamdulillah. और ये हम अपने होटल के करीब पहुंच गए हैं, आगे से बस यू टर्न लेके और ये भाई ड्राइवर भाई जो ये पार्क कर देंगे बस को, फिर हम अंदर चेक इन कर देंगे। ये हमारे होटल के अपोजिट में ही मार्केट है, शॉप्स हैं कुछ, मैंने आपको दिखा दूँ। इस साइड पे भी शॉप्स हैं और दूसरी साइड पे भी शॉप्स हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कल अल्हम्दुलिल्लाह हम रात में मदीना मनवरा पहुंच गए थे, अपने होटल में सेटल डाउन हो गए थे, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी और थोड़ा सा कुछ हैसल हुआ था सामान का, क्योंकि हमारी जो बस थी उसमें 2 होटलों के लोग थे, उन्होंने पहले हमें दूसरे होटल में उतार दिया, फिर वहाँ सारा सामान उतारा, फिर वहाँ पर लोगों को ऑफलोड किया, उसके बाद वही सामान लेके हम दूसरी बस में, इनकी कोई होटल वालों की कोस्टर थी
उसमें उन्होंने हमें चढ़ाया और हमारा ऑर्डर उनसे करीब ही था, तो थोड़ी सी हैसल हुई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए थे और सारी चीज़ें हो गई थी। तो चलें अब आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मदीना मुनव्वरा में हम पहुँच चुके हैं और मस्जिद नबवी अभी हम आए हैं ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।